की एजुकेशन क्लास फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फाइनल ईयर का मार्केटिंग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते ही है, मोस्ट प्रोबेबली कि इस बार भी एग्जाम में आए क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं। विपणन मिश्रण क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, डिस्क्राइब इट्स मेन कंपोनेंट्स। आंसर इज विपणन मिश्रण। मार्केटिंग मिक्स सरल शब्दों में विपणन मिश्रण उन विपणन विधियों, क्रियाओं, घटकों, औजारों या उपकरणों का संयोजन कॉम्बिनेशन है जिनकी सहायता से कोई संस्था अपने विपणन कार्यक्रम को न्यूनतम लागत एवं अधिकतम प्रभावी ढंग से लागू कर अपने विपणन उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। क्या है, हम इजी वर्ड्स में कहें तो विपणन मिश्रण क्या है, विपणन मिक्स क्या, मार्केटिंग मिक्स क्या है, उन विपणन विधियों क्रियाओं, घटकों, औजारों या उपकरणों का कॉम्बिनेशन है जिनकी सहायता से कोई संस्था अपने विपणन कार्यक्रम को न्यूनतम लागत एवं अधिकतम प्रभावी ढंग से लागू कर अपने विपणन उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। विपणन मिश्रण उन विपणन औजारों का समूह है जिन्हें कोई संस्था लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। कॉटलर का कहना है कि विपणन मिक्स क्या है, उन विपणन औजारों का एक समूह है जिनके द्वारा कोई भी संस्था अपने लक्ष्य बाजारों में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स द फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। मिक्स शब्द का उपयोग चार इनपुट्स के संयोग का विपणन करने के लिए किया जाता है जो एक कंपनी के विपणन तंत्र को बनाता है, वस्तु, मूल्य ढांचा, प्रमोशन, क्रियाएं तथा वितरण तंत्र। विपणन मिश्रण शब्द का उपयोग जो किया जाता है वो चार इनपुट्स को संयोग का विपणन करने के लिए किया जाता है जो कि एक कंपनी के विपणन तंत्र को बनाता है। उसको कौन से वो चार तंत्र, वस्तु, मूल्य ढांचा, संवर्धना, क्रियाएं तथा विपणन तंत्र। मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर इनपुट्स विच कंटिन्यू द कोर ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम, द प्रोडक्ट प्राइस स्ट्रक्चर, द प्रमोशन एक्टिविटीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह यूज किया जाता है वो इनपुट्स हमारा प्राइस स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विक्रय फ्रेंड्स, आपको ये डेफिनेशन भी जरूर रखनी है। मैं सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो समीक्षण किया जाता है वह विपणन मिक्स कहलाता है। और विक्रय यानी कि सेलिंग की सफलता को प्राप्त करने के लिए जो भी विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो समीक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा विपणन मिक्स कहलाता है, मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। इसमें वस्तु, ब्रांड का ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य, वितरण मार्ग, विक्रय शक्ति, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, वस्तुओं का भौतिक वितरण, विपणन अनुसंधान आदि को शामिल किया जाता है। और वो है क्या क्या हमारे, वस्तु और ब्रांड का ट्रेडमार्क, प्राइस, पैकेजिंग, वितरण मार्ग, प्राइस सेलिंग, विक्रय शक्ति, एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, वस्तुओं का भौतिक वितरण, विपणन अनुसंधान आदि को शामिल किया जाता है। प्रत्येक व्यवसायिक फार्म को अपनी विपणन क्रियाओं के संचालन के लिए विपणन मिक्स तैयार करना पड़ता है और विपणन क्रिया को चलाने के लिए विपणन मिक्स को तैयार करना पड़ता है। अभी फार्म को अपने अकॉर्डिंग अपना विपणन मिक्स रेडी करना होता है। और एक बार जब विपणन मिक्स तैयार कर लिया जाता है, जब एक बार विपणन मिक्स यानी मार्केटिंग मिक्स रेडी कर लिया जाता है तो फिर इसमें समय अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। और जब एक बार रेडी कर लिया जाता है तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने चाहिए। विपणन मिक्स मार्केटिंग मिक्स का विपणन प्रबंधन में विशेष महत्व है और मार्केटिंग मिक्स का मार्केटिंग मैनेजमेंट में विशेष महत्व है क्योंकि प्रभावी विपणन मिश्रण द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है तथा लाभ कमाया जा सकता है। और एक प्रभावी
विपणन मिक्सर के द्वारा ही ग्राहकों की आवश्यकता यानी कंज्यूमर की नीड्स की आपूर्ति की जा सकती है और तथा उससे लाभ कमाया जा सकता है। विपणन मिक्स के घटक के तत्व देखने थे, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। विपणन मिक्स के चार तत्व हैं। विपणन मिक्स के क्या है, फोर तत्व हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट, प्राइस, वितरण और प्रमोशन। उत्पाद, मूल्य, वितरण एवं संवर्धन, यह तत्व एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फोर आउट ऑफ फोर तत्व एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि एक से संबंधित निर्णय दूसरे को प्रभावित करती है कि एक एलिमेंट में जो निर्णय लिए जाते हैं वो दूसरे एलिमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसीलिए रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विपणन मिक्स के इन तत्वों की व्याख्या निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है हमारा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। उत्पाद विपणन मिश्रण का प्रथम तत्व है। प्रोडक्ट क्या है, विपणन मिक्स का, मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट तत्व है, फर्स्ट एलिमेंट है। उत्पाद से तात्पर्य किसी भी वस्तु या सेवा से लगाया जा सकता है। उत्पाद से तात्पर्य किसी भी वस्तु या सेवा से यानी कि किसी भी वस्तु या सभी से लगाया जा सकता है, जैसे किसी भी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा सके और जैसे किसी भी उद्देश्य हेतु, किसी भी ऑब्जेक्टिव हेतु प्राप्त किया जा सके। उत्पाद मिश्रण में उत्पाद का नियोजन तथा विकास किया जाता है और उत्पाद मिक्स में यानी प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट का नियोजन में तथा विकास किया जाता है, उसकी प्लानिंग और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। वस्तु की रचना ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुसार की जाती है और वस्तु की रचना जो है वो ग्राहकों की यानी कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, उनकी आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग की जाती है। उत्पाद मिश्रण में जिन बातों का निर्णय लिया जाता है वे हैं, और उत्पाद मिक्स यानी प्रोडक्ट मिक्स में जिन बातों का निर्णय लिया जाता है वो क्या है हमारा, फर्स्ट इज वस्तु का आकार, सेकेंड इज वजन, उसका वेट कितना है, वस्तु का आकार कितना है, वस्तु का वजन कितना है, उसका किस कलर में है वस्तु, डिज़ाइन क्या है, क्या तथा प्रयोग क्या है उसका, वस्तु का नामकरण, व्यवहार चिन्ह, पैकेजिंग। फिफ्थ इज विक्रय प्रांत, सेवाएं इत्यादि। उत्पाद मिश्रण उत्पाद विपणन प्रक्रिया का आधार होता है तथा इसका निर्णय अत्यंत सावधानी से लिया जाना चाहिए, और इन सब चीज़ों का क्या क्या उनमें उपयोग होता है। उत्पाद प्रोडक्ट्स मिक्स में जिन बातों का निर्णय लिया जाता है वो क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, वस्तु का आकार, उसका वजन, उसका रंग, उसका डिज़ाइन, उसका प्रयोग, कि उसका यूज़ क्या है वस्तु का। सेकेंड क्या है हमारा, वस्तु का नामकरण, कि उस वस्तु का नाम क्या है। थर्ड इज व्यापार चयन, के वो किस व्यापार से, किस बिजनेस से रिलेट करती है उसका भी उस पर चयन होना चाहिए, व्यापार का चयन भी वस्तु पर होना चाहिए। और पैकेजिंग किस अकॉर्डिंग की गई हुई है, उसकी वस्तु की जो पैकिंग है वो किस अकॉर्डिंग की गई है। फिफ्थ इज विक्रय प्रांत, सेवाएं इत्यादि। उत्पाद विपणन प्रक्रिया का आधार होता है और इसका निर्णय अत्यंत सावधानी से लिया जाना चाहिए, और इनके जो डिसीजन है वो बहुत ही केयरफुली लिए जाने चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि उत्पाद मिश्रण उत्पाद सेवाओं का वह समूह है जो कोई संस्था अपने लक्ष्य बाजारों को प्रस्तुत करती है या करना चाहती है। क्या है, ये उल्लेखनीय है कि उत्पाद मिश्रण यानी कि प्रोडक्ट मिक्स जो है वो वस्तुओं सेवाओं का वह समूह है, उत्पादों और सेवाओं का वह समूह है जो कोई भी संस्था अपने लक्ष्य मान टारगेट मार्केट को प्रस्तुत करती है या वह करना चाहती है, टारगेट मार्केट को प्रस्तुत करती है या करना चाहती है, वो है हमारा उत्पाद मिश्रण। सेकेंड इज मूल्य, प्राइस। मूल्य विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है, प्राइस जो है वो विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस एलिमेंट है। मूल्य से तात्पर्य उस धनराशि जिसके बदले में कोई भी विक्रेता अपने उत्पाद का विनिमय करने का इच्छुक होता है। मूल्य मिश्रण के अंतर्गत वस्तु के मूल्य तथा छूट एवं उधार के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मूल्य एक महत्वपूर्ण निर्णय है, और मूल्य क्या है, प्राइस क्या है, एक महत्वपूर्ण निर्णय है कोई इसे, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा की सीमा, बिक्री की मात्रा तथा लाभ की सीमा निर्धारित होती है। और प्राइस से क्या होता है, एक महत्वपूर्ण प्राइस क्या है, एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा की सीमा, बिक्री की मात्रा, क्योंकि सेल जो होगी वो किस क्वांटिटी में होगी, और लाभ की सीमा निर्धारित करता है कि कितना हमें कितना प्राइस रखें और हमें कितना प्रॉफिट होगा। मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता को मूल्य अधिक महसूस ना हो, और प्राइस इज अकॉर्डिंग, जब वो वस्तु खरीद रहा है तो उसे उतना फील ना हो कि ये इतनी महंगी वस्तु क्यों है। संस्था उपयोगिता का सामना करके उचित लाभ कमा सके तथा सरकारी नियंत्रण से भी अपने आप को बचा सके, और संस्था प्रतियोगिता का सामना करके उचित लाभ कमा सके और
सरकारी नियंत्रण से भी अपना आपको बचा सके, सरकारी नियंत्रण से भी, गवर्नमेंट कंट्रोल से भी अपने आप को बचा सके। थर्ड इज वितरण, यानी प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन। इस तत्व में वितरण, माध्यम, संचार, संग्रह, वितरण नियुक्तियों आदि विषयों का निर्णय किया जाता है। इसमें थोक एवं खुदरा वितरण, ग्राहकों को माल बेचने का स्थान तथा यातायात का निर्धारण भी सम्मिलित है। और इस तत्व में प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन में वितरण, माध्यम, संचार, संग्रहण, वितरण नीतियों आदि का विषय का निर्णय किया जाता है। और इसमें थोक एवं खुददार वितरण, ग्राहकों को माल बेचने का स्थान एवं कहाँ बेचा जाएगा, प्रोडक्ट्स को कहाँ, यातायात का निर्धारण भी सम्मिलित है। बिना उचित विक्रय व्यवस्था के विक्रय संभव नहीं है, और बिना किसी उचित व्यवस्था के, उचित विक्रय व्यवस्था के विक्रय, यानी सेलिंग क्या करनी है उसकी, सेलिंग के व्यवस्था के बिना विक्रय संभव नहीं है, सेलिंग संभव नहीं है। प्रत्येक वितरण प्रबंधक यही चाहता है कि उसकी संस्था के उत्पाद सही समय एवं सही स्थान पर सुविधा से सभी ग्राहकों को उपलब्ध हो सके। और एवरी फार्म का यही रीजन होता है, यही सोच होती है उसका, कि उसका जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो सही मात्रा में और सही स्थान पर सुविधा, पूरी सुविधा के साथ सभी ग्राहकों को उपलब्ध हो सके, सभी ग्राहकों के पास तक वो जो प्रोडक्ट बना है वो पहुँच सके। ग्राहकों को सही समय पर तथा उचित मात्रा में माल पहुंचाने के लिए एक अच्छी वितरण प्रणाली का होना आवश्यक है। और ग्राहकों को सही समय पर और उचित मात्रा में, यानी सही टाइम पर, जिस टाइम पर उन्हें नीड्स है प्रोडक्ट की, और उचित जिस प्राइस में वो कंज्यूमर उस प्राइस को, वस्तु को खरीद सकते हैं, उसमें वो पहुँच जाए, और वही करना, मात्रा को पहुँचाना, प्रोडक्ट की मात्रा को पहुँचाना, ग्राहक के पास सही समय पर उस प्रोडक्ट को पहुंचाना और उचित मात्रा में माल को पहुंचाना एक अच्छी वितरण प्रणाली का होना आवश्यक है। फोर्थ इज प्रमोशन। प्रमोशन का संबंध ग्राहकों को वस्तुओं के संबंध में आवश्यक जानकारी देना उनकी बिक्री बढ़ाने में उपयोग से है। कंज्यूमर को उसकी वस्तु के बारे में उसकी जानकारी मिले और सही वस्तु में आवश्यक जो उससे रिलेटेड, वस्तु से रिलेटेड जानकारी वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास अच्छे से पहुँच जाए, उसी को क्या कहते हैं, हम प्रमोशन कहते हैं। आज विज्ञापन तथा विक्रय काल संवर्धन के प्रमुख साधन हैं। विज्ञापन के साधन संबंध के अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं और विज्ञापन के द्वारा ही विज्ञापन के संबंध में अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे विज्ञापन की विषय सामग्री, विज्ञापन बजट, विज्ञापन माध्यम, विज्ञापन कार्यक्रम आदि। के विज्ञापन का क्या यूज़ होगा, उसमें विज्ञापन का बजट क्या है, एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं उसका बजट क्या आएगा, और विज्ञापन करने के माध्यम क्या है, मतलब हम विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस चीज़ से कर रहे हैं, उसमें कितना खर्चा होगा, कितना बजट बनेगा हमारा, और विज्ञापन कार्यक्रम आदि। इस प्रकार व्यक्तिगत विक्रय क्रिया में विक्रयकर्ताओं का चयन, और इस प्रकार की व्यक्तिगत विक्रय क्रियाओं में विक्रयकर्ताओं का चयन, परीक्षण, वेतन आदि के संबंध में निर्णय लिया जाते हैं। और के जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके बारे में, उसको प्रशिक्षण को वेतन कितना देना है, इस बारे में भी, इसके संबंध में भी, रिलेशन में भी हमें निर्णय लिए जाते हैं आदि। संवर्धन में बिक्री बढ़ाने के अन्य प्रयत्न भी शामिल हैं, और प्रमोशन में बिक्री बढ़ाने के, यानी सेल बढ़ाने के अन्य प्रयत्न भी शामिल हैं, जैसे प्रदर्शनी, उपहार, विक्रय पर कमीशन, कार्यक्रम की सफलता हेतु उचित प्रमोशनल मिशन और उससे संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा क्रियाओं को निर्धारित करना पड़ता है। प्रमोशन मिशन का निर्धारण करते समय वस्तु की प्राकृतिक ग्राहकों की संख्या तथा भौगोलिक स्थिति, मांग की आवश्यकता, प्रमोशन बजट आदि घटकों पर विचार करना चाहिए। और प्रमोशन मिक्स में निर्धारण करते समय हमें वस्तु की प्राकृति, की वस्तु की नेचर क्या है, ग्राहकों की संख्या क्या है, जो उस वस्तु को खरीदेंगे वो कंज्यूमर कितने हैं, तथा भौगोलिक स्थिति क्या है, मांग अवस्था क्या है, कि मांग किस अकॉर्डिंग में वो डिमांड करें वस्तु की, वो अवस्था क्या है, और प्रमोशन बजट आदि घटकों पर विचार करना चाहिए प्रमोशन करने से पहले। मैकाकृति ने उपरोक्त चारों तत्वों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को लेकर विपणन मिक्सन के 4P यानी 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स का है, क्या कहा उन्होंने, मैकाकृति ने उपयुक्त चारों जो हैं, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस एंड प्रमोशन, उन चारों को लेकर क्या कहा है उन्होंने, 4P ऑफ मार्केटिंग कहा है, सृजन किया था जिन्हें आज भी सर्वाधिक रूप से स्मरण एवं उपयोग किया जाता है, और जिन्हें
आज भी सर्वाधिक रूपों से स्मरण एवं उपयोग किया जाता है। एक बार जब विपणन मिश्रण तय कर लिया जाता है तो फिर उसमें समय अनुसार परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। और जब एक बार विपणन मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स कर लिया जाता है, तय कर लिया जाता है, तो उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस करते रहने चाहिए। यह परिवर्तन प्रतियोगिता, उपभोक्ता की बदलती हुई प्रकृति और देश के कानून के कारण किए जाते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं? प्रतियोगिता, उपभोक्ता की बदलती हुई प्रकृति, नेचर ऑफ चेंजेस ऑफ कंज्यूमर, और देश के कानून के कारण किए जाते हैं। और देश के कानून के कारण भी किए जाते हैं चेंजेस। यह हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 P's को 4 P ऑफ मार्केटिंग एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और वीडियो कैसी लगी भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।